नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज आपको लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया को साकार कैसे करना है इसका कंप्लीट टिप देने वाला हूँ। पांच इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, आखिरी तक सुनिएगा, 100% काम आने वाला है। अच्छा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिएगा और जो बेल बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। जब भी मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो बनाऊंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, देखिएगा। अब क्या पांच चीजें हमको चाहिए कोई भी बिजनेस को साकार करने के लिए? कोई भी साधारण व्यक्ति देख सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, अलग अलग जगह से जानकारी लेने की कोशिश करता है, और आजकल मोबाइल सबके पास में है, राइट? तो मोबाइल सबके पास में है, हम लोग काफी सारे बिजनेस के बारे में सुनते हैं, चर्चा करते हैं और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बॉस ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ऐसा हमने सुन लिया। अब हम पूरा लग जाते हैं कि ये बिजनेस को करना है और हमारे दिमाग में क्राइटेरिया ये रहते हैं कि कॉस्ट कम से कम लगे, पैसे कम से कम लगे और हम उस बिजनेस को कर जाएं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी लो कॉस्ट बिजनेस आइडियाज, मार्केटिंग के आइडियाज और काफी सारे आइडियाज बताए हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा नहीं देखा हुआ है तो हम लोग कोई भी आइडिया दे दें वो साकार नहीं हो पाएगा। तो एक बार फिर से, पहला मेरा आइडिया ये है कि अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को जरूर करते रहिए, अगर उसके साथ बिजनेस भी कर रहे होंगे तो भी पढ़ाई करते रहिए, या फिर आपका इंटेंशन पढ़ाई कंप्लीट करने का है तो कंप्लीट जरूर करिएगा। दूसरा चीज ये, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने एक स्टेज तक अपने लाइफ में आए हो, पढ़कर आए हो या स्ट्रगल करके आए हो। कई बार हमको अपना खुद का पोटेंशियल पता नहीं होता। आपने नल नील का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाया था। वो पत्थर को फेंकते थे पानी में और पानी में पत्थर तैरने लग जाता था। तो ये जो हमारी क्षमताएं हैं, ये क्षमताएं हमेशा हमको पता नहीं होती, इसीलिए हमको कुछ स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो स्किल्स को चूज करने के समय में आपको लगता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर स्किल में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है और मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूं, तो आप चूज मत करिएगा। लेकिन उस स्किल को करने के बाद आप उसको टेस्ट करिए कि क्या इसमें स्कोप बहुत है। अगर हाँ, तो फिर वो आपके काम का बिल्कुल है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या क्या बिजनेस करना आसान है और उसमें स्कोप क्या है, ये जानकारी हमको लेनी चाहिए। दूसरा, आपका एजुकेशन, आपको फॉर्मल एजुकेशन आपका कर लेना चाहिए, बेसिक एजुकेशन कर लेना चाहिए। तीसरा, आपको स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट मतलब जो भी सेक्टर में, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया था, उसके मार्केटिंग के बारे में बताया था, मैंने आपको सर्विस सेंटर के बारे में बताया था, तो वो सारे चीजों के लिए हम लोग को उससे रिलेटेड जानकारी जरूर लेनी चाहिए। अब ये जानकारी कहां पर मिलने वाली है? अच्छा, आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप यूट्यूब में मैक्सिमम वीडियोस देख लीजिए, उसमें काम की चीजों को नोट जरूर करिए। देखिए, हम लोग कंप्यूटर नहीं है, हमको कहीं ना कहीं नोट करना पड़ेगा। जो बोलेगा मैं अपने याददाश्त पे चलता हूं, तो बॉस आई एम नॉट एग्रीड, बिकॉज नो वर्क इज कंप्लीट टिल पेपर वर्क इज डन। जब तक हम पेपर वर्क नहीं करते हैं तो हमारा काम खत्म हुआ नहीं है, इसलिए आपको नोट करना पड़ेगा। तो मेरा तीसरा टिप ये कि आप सारे इंफॉर्मेशन, जो भी आप समझते हैं, उसको नोट करिए। चौथा, अगर पॉसिबल है, कहीं पे कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करते बनता है, आप वो शॉर्ट टर्म कोर्स जरूर करिए उस पर्टिकुलर बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं उससे संबंधित। अगर आपको इंश्योरेंस का काम करना है तो किसी इंश्योरेंस एजेंसी में भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस की एजेंसी खुद लीजिए और किसी के साथ में जुड़ के काम करने की कोशिश करिए। कुछ दिन अगर हम लोग दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम लोगों को न सिर्फ वो इंश्योरेंस बेचना आएगा, मैं किसी भी बिजनेस के बारे में बोल रहा हूं, अभी एग्जाम्पल इंश्योरेंस है, तो न सिर्फ वो इंश्योरेंस बेचना आएगा बल्कि हम क्या क्या शब्द यूज करते हैं उसकी भी ट्रेनिंग फ्री में मिल जाती है जब हम लोग किसी दूसरे के अंडर में काम करते हैं। पांचवा चीज, एग्जीक्यूशन और नेगोशिएशन होता है। एग्जीक्यूशन और नेगोशिएशन क्या होता है? जब भी हमको कोई काम करना रहता है तो हमारे को डिसीजन लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास पांच ऑप्शन है, पांच में से कौन सा ऑप्शन हम लोग को चूज करना है, वो ऑप्शन हम लोग को निकालना है। अब वो निकालने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा कैसे? होने के लिए हमारे उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं। क्या क्लॉज है? सबसे पहला, उसको कब करना है, दूसरा उसमें कितने पैसे लगने हैं,
तीसरा उसमें फायदा नुकसान क्या है, क्या हमको पैसे वापस करने हैं, क्या हमारे पैसे पर ब्याज लग रहा है, ये सारे चीजों को हमको देखना पड़ेगा। दूसरा चीज, हम लोग उस डिसीजन को तुरंत इम्प्लीमेंट करके क्या हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या हम अपने काम को शुरू कर सकते हैं, इस पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पांच चीजें कम से कम आप समझिए, जो हमारे स्टार्टअप करने से पहले कोई भी बिजनेस, जो कि छोटे से छोटा बिजनेस हो, उससे पहले हमको जानने की जरूरत है। एक बोनस टिप दूंगा, अब ये बोनस टिप वाला फंडा बहुत अच्छा है, मैं अपने हर वीडियो में बोनस टिप आपको जरूर देने वाला हूं। जब तक आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेस के बेस्ट पर्सन और सेकंड बेस्ट पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं, बिजनेस शुरू मत कीजिएगा। और बेस्ट और सेकंड बेस्ट का जो सबसे अच्छी बातें हैं वो कहीं पे नोट करिएगा, उनके मॉडल में भी कहां पर परेशानी है ये जरूर नोट करिएगा, किनको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं वो जरूर नोट करिएगा, उनके पास आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टार्टअप टिप्स था कोई भी बिजनेस करने के लिए। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और टिप बताने वाला हूं, ताकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, मेरा नाम दीपंकर समद्दार, हमेशा आपके काम आने वाला हूं। धन्यवाद।